कितना अंदर लेते हैं, करते समय अंदर कितना जाता है, और कैसे मालूम करें कि ये जो अंदर जा रहा है इससे उनको खुशी मिल रही है, इससे उनको कोई तकलीफ या प्रॉब्लम्स नहीं हो रहा है। दूसरी बात कि करते समय जो टाइम होता है मिनिमम कितनी होनी जो चाहिए, ज़्यादा अंदर जाता है इससे कोई फायदा होता है या नुकसान होता है, ये भी बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि रिलेशन के समय जो आपको ये देखने को मिलता है कि जल्दी गिर जाना है, टाइम कम होता है, या आप जैसे ही अंदर डालते हो उस पार्ट से की जो गर्माहट होती है, जो गर्मी होती है, आपका जो पार्ट से उसको सहन नहीं कर पाता और आपका डिस्चार्ज हो जाता है, तो इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आज वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अपने पार्ट्स को फीमेल के अंदर जैसे ही डालते हैं, जिनको ये प्रॉब्लम होता है कि उनका डालते गिर गया या बहुत ही उनके पार्ट्स में कमजोरी है, उस समय उनका बराबर नहीं है, जल्दी से ढीला हो जा रहा है, इसके कई सारे रीजन कारण हो सकते हैं, उम्र के ऊपर भी डिपेंड करता है। दूसरा है कि आपका स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य अगर अच्छा है, आप अंदर से और बाहर दोनों तरीके से अगर फिट हो, मेंटली भी और हेल्दी भी, तो आपके रिलेशन पर देखने को मिलता है। वहाँ पे कहते हैं ना कि भावनात्मक तरीके से जुड़ा होना, अगर आप अपने पार्टनर के प्रेशर में दबाव में कर रहे हो तो आपका यहाँ पर रिलेशन में समय पर भी इसका असर देखने को मिलेगा, आपका करने का मन भी नहीं करेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप करने से पहले एक दूसरे की जो बात होती है, जो विचार होते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्ट उसको बोल दिया, नहीं, इनडायरेक्ट बोलने की कोशिश का है, मिनिमम कितना होना चाहिए। जो आप रिलेशन के दौरान जब आप उसके साथ किस करते हैं, चुंबन करते हैं, उसके साथ आप खेलते हैं, उस समय को भी जोड़ा जाता है, ठीक है, उस समय से लेकर जब आप परफॉर्म करते हैं, उस समय के लास्ट तक जब आपका पूरा खेल खत्म हो जाता है, उस लास्ट तक की जो पूरी समय होती है उसको आप नोट करो। लेकिन जो मेन होता है रिलेशन के समय, जब पार्ट्स टू पार्ट्स जब मिलते हैं, वहाँ पे उसका समय होता है 13 मिनट से 15 मिनट, जो कि बहुत ही ज़्यादा बता रही हूँ मैं, लेकिन बहुत सारे लोगों में देखा जाता है कि 7 मिनट 10 मिनट या 11 मिनट में ही काम खत्म हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 13 से 15 मिनट तक हो सकते हैं। आपने अंदर डाला तो झटके एकाएक नहीं देनी है, आप जैसे पूरे झटके डायरेक्ट अंदर डाल देते हो तो ऊपर जो पार्ट्स होते हैं फीमेल के, काफ़ी ज़्यादा नाजुक, बहुत ही कोमल होते हैं, उस पर जब झटके से जाएंगे वहाँ पे दबाव पड़ेगा, उसका प्रेशर पड़ेगा आपके पार्ट्स का, तो उसको यहाँ पे चुभन होगा, पेन होगा। कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सवाल आते हैं कि अंदर कितना तक जाता है या कितना हम डाल सकते हैं, आपकी मर्जी पूरा डाल दो, कौन मना कर रहा है। लेकिन जहाँ तक रिसर्च भी बताती है कि फीमेल का जो पार्ट्स के अंदर की गहराई होती है 6.7 या 8 या 9 तक होती है, क्योंकि हर फीमेल के जो पार्ट्स की गहराई चौड़ाई अलग अलग, उसका जो 2.5 3 पौने 3 जो भी होता है उतना ही अंदर मेन जो उसके उस प्लेजर को आगे बढ़ाता है उतना ही काम आता है, बाकी पूरा डालो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो हर बार अपने मन में दुविधा या गलतफहमी पालने से अच्छा है कि जो भी है जैसे भी बस बिंदास उसी तरीके से करो, उसको खुश करने की कोशिश करो। ज़्यादा मैटर करता है आप किस पोज में कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो कैसे अच्छा फील करती है, किस तरीके से करना चाहती है, उसको उसी तरीके से करो। अगर वो कुछ अलग नया करना चाहते तो उससे पहले बात कर लो कि आप कैसे चाहते हो, किस तरीके से नेव करें जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद हो। तो आई होप जो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन है अगर आपको समझ में आई हो, अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, अगर वीडियो के रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट पर बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।